हेलो नमस्ते, इंडिया सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। हमने जैसे अभी अगले वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे यूथ हॉस्टल में रुके हैं, तो हमारा वैसे ये पूरा कॉटेज इधर था, ये बुकिंग हुआ था, पर अंदर खाने की फैसिलिटी, नाश्ते की फैसिलिटी क्या है और दूसरी क्या है वो हम आपको बताते हैं। आइए, और यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा यूथ हॉस्टल नैनीताल है, और ये इसके नंबर भी यहाँ देखिए, ये वैलिड नंबर यहाँ के हैं, आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पर यहाँ आ जाओ, यहाँ के अभी जो चार्जेस है इस टाइप के हैं, आप देख सकते हैं डोरमेट्री के चार्जेस है, ऐसे ही सब अलग अलग चार्जेस है। और अभी हम मैंने कहा है ऐसे आपको किचन और डाइनिंग एरिया बताता हूँ। ये पूरा डाइनिंग एरिया है, ये आप यहाँ बैठ के नाश्ता भी कर सकते हैं, टीवी भी है तो टीवी भी देख सकते हैं, और ये पीछे का भी देखो पहाड़ी का भी कितना मस्त लग रहा है। इधर देखो पहाड़ी पे मंदिर भी है, इधर पहाड़ी के मंदिर भी है। और अभी आइए मैं आपको किचन बताता हूँ पूरा नाश्ते में। हेलो नमस्ते सर, क्या नाम है सर आपका? मैं धीरज कुमार हूँ। ये धीरज भाई हमें यहाँ बताया कि ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में क्या क्या सुविधाएं हैं। अच्छा ओके, तो आएंगे अभी, चलो नहीं। देखो अभी सुबह का नाश्ता हमने किया, ये पूरा पूरी और सब्जी है, आलू और आलू की सब्जी है, ये आलू की सब्जी, ये रुकिए, देखो ये यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट हम सब कर रहे हैं, बन गए हैं। ये देखो ये पूरी है और ये आलू की सब्जी, ये सुबह अभी ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट अलग अलग आलू परोठे होते हैं, फिर पोहा होते हैं, सब अलग अलग रोज होता है मेनू, और चाय कॉफ़ी वो भी सब मिल जाता है, ये आचार भी है साथ में। आप कहाँ से आए सर? लखनऊ से आए हैं, अच्छा बढ़िया। ये यहाँ के थोड़े यूथ हॉस्टल के रूल्स और रेगुलेशन है, वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं अच्छी तरह से। और ये यहाँ एक महत्वपूर्ण सूचना भी लिखी है कि यूथ हॉस्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो और उसका मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए, क्योंकि कोई अगर अभी क्या है सोशल मीडिया में ज़्यादातर धोखाधड़ी होती है, तो वो आप संभल के आप अच्छी तरह से चेक करके सब कीजिए, क्योंकि उसके लिए कोई ये जिम्मेदार नहीं है अगर फ्रॉड हुआ कुछ तो। क्या नाम सर आपका? ये जो रमेश भाई है वो यहाँ के कुक और ये सब फैसिलिटी संभालते हैं। और सर यहाँ सुबह में ब्रेकफास्ट में क्या क्या होता है? वो ब्रेकफास्ट में कभी आलू सब्जी पूरी, कभी छोले भटूरे, कभी आलू पराठे, दही अचार होता है। अच्छा, जैसे रमेश भैया ने हमें बताया कि यहाँ नाश्ते में आलू पूरी होती है, पोहा होते हैं, आलू परोठा होता है, ये सब अलग अलग थोड़ा ब्रेकफास्ट मौसम के हिसाब से सब होता है। और लंच में भी? लंच में दाल सब्जी रोटी चावल होता है सर, उसका 90 रुपये प्लेट रहता है। अच्छा बढ़िया। और शाम को? लंच शाम को भी वही होता है, दाल सब्जी रोटी चावल, पर बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक स्वादिक नाश्ता है वो यहाँ मिल जाता है। ओके, ऑर्डर पे नॉनवेज वगैरह पनीर वगैरह बनाना चाहते हो तो जाते हैं। अगर स्पेशल कोई आप ऑर्डर चाहते हैं, पनीर सब्जी या ऐसा कुछ पंजाबी फूड, चाय नाश्ता दूसरा, तो भी आप पहले कह दे, दूसरा अच्छी तरह से बना देते हैं। ओके, थैंक यू सर। हाँ